तो ये क्वेश्चन बलून से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन होता है, बट अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसको सही से समझेंगे। और कुछ भी हमेशा ना क्वेश्चन को समझने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है, नहीं? तो इस क्वेश्चन का एक बलून है जो कि ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस बलून के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है जिसके हाथ में बहुत सारे स्टोन्स हैं, और वो दो सेकेंड के अंतर पे स्टोन को रिलीज़ करता है, दो सेकेंड के अंदर पे स्टोन को रिलीज़ करता है। तो कह रहा है कि अगर ये पर्सन पहला स्टोन 5 सेकेंड पर रिलीज़ किया, पहला स्टोन 5 सेकेंड पर रिलीज़ किया, फिर उसके बाद उसने दूसरा स्टोन रिलीज़ किया, फिर उसके बाद उसने 2 सेकेंड बाद तीसरा स्टोन रिलीज़ किया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड लेटर रिलीज ऑफ सेकेंड स्टोन। मतलब पहला स्टोन रिलीज किया, फिर जब वो दूसरे स्टोन रिलीज करता 2 सेकेंड बाद, तो दूसरे स्टोन को रिलीज करने के 1 सेकेंड बाद दोनों पत्थर के बीच में कितनी दूरी से कैलकुलेट कर रहा है, नहीं? तो चलो अब अभी हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि ये 2 स्टोन के बीच की जो दूरी आएगी ना, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि इस बलून की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बेसिकली इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे मान लिया टी क्वेश्चन 5 सेकेंड पे आपने पहला स्टोन रिलीज किया, तो टी और 5 सेकेंड पे क्या इस बलून के पास कुछ वेलोसिटी होगी? यस, होगी। तो मान लिया क्या है, यू है। तो अगर आपने पहला स्टोन रिलीज किया है 2 सेकेंड पे, और स्टोन को रिलीज करते समय पहले पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू है, तो पहला पार्टिकल यू की स्पीड से मूव करेगा, फिर जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इस 2 सेकेंड बाद आप दूसरे पार्टिकल को रिलीज करेंगे, और उसके 1 सेकेंड बाद पूछ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे आपने पहले पार्टिकल को रिलीज किया है ना, इसके बाद उसको कितना सेकेंड और चलना पड़ रहा है, पता है कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि दूसरे के रिलीज होने के 1 सेकेंड बाद पूछ रहा है। इसका मतलब पहला पत्थर हवा में कितने सेकंड तक रहा? 3 सेकंड तक। क्योंकि 2 सेकंड तो इसलिए क्योंकि अभी दूसरा रिलीज करना है, और 1 सेकंड इसलिए क्योंकि दूसरे के रिलीज करने के 1 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो पहले पत्थर ने जो डिस्प्लेसमेंट अटेंड की होगी वो 3 सेकंड अटेंड किया, तो 3 सेकंड में पहला पत्थर इस रिफरेंस लाइन से बना लिया, ऐसे रिफरेंस लाइन बना लिया, ठीक। तो 3 सेकंड में पत्थर कितना दूरी अटेंड करेगा? ये दूरी अटेंड किया। अगर ये दूरी x है तब क्या लिखेंगे? यू इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10 इंटू टी के स्क्वायर। तो पहला स्टोन आपका यहाँ पर आ गया, दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट स्टोन, पहला स्टोन आ गया, नहीं? तो 3 सेकेंड बाद पहला स्टोन यहाँ पे है। अब हमको क्या करनी है कि दूसरा स्टोन को आप रिलीज करेंगे इस वालून से, तो वालून से कब रिलीज करेंगे? वालून के 2 सेकेंड बाद। मतलब पहले के रिलीज करने के 2 सेकेंड बाद आप वालून से दूसरा स्टोन रिलीज करेंगे। तो हमें जानना पड़ेगा ना कि दूसरा स्टोन रिलीज करते समय वालून कितना दूरी तय कर लिया है, और उस समय वालून की वेलोसिटी कितनी है। क्यों क्यों जानना पड़ेगा? इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि जब आप उसको रिलीज करेंगे ना, दूसरे स्टोन को रिलीज करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो वालून की होगी, और उसके बाद उसको 1 सेकंड और उड़ाना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा ये भी निकालेंगे, और वॉल्यूम कितना उड़ गया ये भी तो चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि कितना इससे कितना ऊपर गया है, नहीं? देखिए, तो वॉल्यूम से पहला स्टोन रिलीज किया, 3 सेकंड बाद ये पहले स्टोन का पोजीशन है। अब हम फोकस किस पे करेंगे? सेकेंड स्टोन पे फोकस करते हैं, सेकेंड स्टोन पे। तो सेकेंड स्टोन इस वॉल्यूम से 2 सेकेंड बाद फिर छूटेगा, तो 2 सेकेंड में इस वॉल्यूम की वेलोसिटी कितनी आएगी और कुछ पोजीशन आएगा। मान लिया कि 2 सेकेंड में बलून यहाँ पहुँच गया, तो बलून डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यू टी, तो यू इंटू टी प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 सेकेंड में ये जो बलून है वो इतना दूरी अटेंड कर लेगा, इतना दूरी अटेंड करने के बाद 2 सेकेंड बाद इस बलून के पास वेलोसिटी भी यू नहीं होगी, कुछ और हो जाएगी क्योंकि वो लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। वो कितना होगा? यू प्लस ए टी, तो यू प्लस और एक्सेलरेशन कितना है? 10 इंटू 2। इसका मतलब कि इस रेफरेंस लाइन से वलून इतना दूरी अटेंड करके उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है। अब क्या करेंगे? 2 सेकेंड बाद आप दूसरे पत्थर को छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो वलून की। इसका मतलब 2 सेकेंड बाद जब पत्थर को आप रिलीज करेंगे तो उस पत्थर की वेलोसिटी होगी इतनी, दूसरे स्टोन वेलोसिटी होगी इतनी, और इतने वेलोसिटी के बाद उसको कितना सेकेंड और ऊपर जाना है? 1 सेकेंड और। क्वेश्चन में क्या आएगा ना, 1 सेकेंड लेटर रिलीज ऑफ सेकेंड,
तो एक सेकंड में देखेंगे कितना दूरी अटेंड करेगा। तो एक सेकंड में अगर सेकंड स्टोन मान लीजिए यहाँ पर आ गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ये बनेगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, बट इस रास्ते के लिए आप इसको ट्रीट करेंगे ना, क्या लिखेंगे, u प्लस 10 इंटू 20 ut प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, u प्लस 20 यहाँ से माइनस 5, तो कितना आ गया u प्लस 15, इतना आ गया। इसका मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ यहाँ पे, देखिए क्या, पहला स्टोन को रिलीज करने के बाद 3 सेकंड में पहला स्टोन यहाँ पहुँचेगा इस लाइन से, और दूसरा स्टोन इस लाइन से इतना दूरी पहुँचा, 2 सेकंड तो वॉलून के अंदर आएगा और 1 सेकंड के बाद वो ग्रेविटी के अंदर फ्री में मोशन करेगा, ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल मोशन करेगा अंडर एसेप्शन 10। नहीं, अब अगर कोई पूछे दोनों के बीच की दूरी बताइए, तो क्या दोनों के बीच की दूरी यही है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन्स, सेकेंड स्टोन का पोजिशन है और फर्स्ट स्टोन का ही पोजिशन है, तो ये दूरी निकाल ली। तो जो डेल्टा एक्स आएगा बेटा आपका, वो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लिखे, उसमें से ये दूरी घटा दे तो क्या ये दूरी आ जाएगी, ऑफकोर्स आ जाएगी। तो ये दूरी निकालेंगे पहले, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस में इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए, ये डिस्टेंस यू प्लस 15 है और ये डिस्टेंस कितना आएगा, देखिए तो ये आएगा 2u, नहीं, और यहाँ से आएगा माइनस 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसमें इसको आप ऐड कर दीजिए, तो कितना बन गया 3u और माइनस 20 प्लस 15, ये माइनस 5 बनेगा, माइनस 5, ये टोटल डिस्टेंस आ गया u प्लस 15, 2u माइनस 20, तो 2u प्लस u 3u और ये माइनस 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, अच्छा टाइम ना 3 सेकेंड है बेटा, क्योंकि पहले स्टोन को 3 सेकेंड तक उड़ना था, तो ये दूरी कितनी आएगी, घट सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो बन गया 3u, ये 3u और ये बनेगा कितना 9 और ये बनेगा कितना 5, तो माइनस 45 बनेगा। अब देखिए ये माइनस 3u इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बन गया माइनस 5 और ये माइनस इस माइनस को प्लस करके 45 में क्रॉस कर देगा, तो वैल्यू क्या आ गई, इट इज 40 मीटर। इसका मतलब पहले स्टोन और दूसरे स्टोन की बीच दूरी कितनी होगी, 40 मीटर होगी। और आपने देखा कि ये इस बात डिपेंड नहीं कर रहा है कि वॉलून की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मतलब जिस वक्त आप फर्स्ट स्टोन को रिलीज कर रहे हैं उस समय वॉलून की वेलोसिटी कितनी है, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए। चलिए तो एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है कि एक बलून है जो कि ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, टी और 5 सेकंड पे आपने पहला बलून छोड़ा, पता है इस 5 सेकंड का भी कोई यूज नहीं है, टी और 5 सेकंड पे पहला बलून, पहला स्टोन छोड़ा, पहले स्टोन को छोड़ा टी और 5 पे, उसके बाद दूसरे को आपने 2 सेकंड पे छोड़ा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे के छोड़ने के एक सेकंड बाद बताइए कि पहला स्टोन और दूसरे स्टोन के बीच में कितनी की दूरी है क्वेश्चन में, और हमने इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या किया कि अगर पहले स्टोन को एक सेकंड जाना है तो दूसरे स्टोन को कितना जाना है, 3 सेकंड उड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेकंड पहले से उड़ा और 1 सेकंड और उड़ेगा, 3 सेकंड में पहले स्टोन का पोजीशन निकाल लिया, और 2 सेकंड में मैंने इस बलून की वेलोसिटी निकाल ली, और क्यों निकाली, ये जानने के लिए कि बलून की जो वेलोसिटी होगी बेसिकली वही तो वेलोसिटी सेकंड स्टोन की होगी, और सेकंड स्टोन की वेलोसिटी कब की, ये तो यू है पहले स्टोन में छोड़ते समय, तो बदल चुकी होगी 2 सेकंड बाद, क्यों, क्योंकि बलून भी तो लगातार एक्सेलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नहीं, तो हमने 2 सेकंड बाद बलून की वेलोसिटी निकाल ली, बलून का पोजीशन निकाल लिया, और फिर इसके पोजीशन को फिक्स करने के बाद 1 सेकंड बाद सेकंड स्टोन का पोजीशन निकाल लिया, फिर इस पूरे दूरी में से मैंने इस दूरी को सबट्रैक्ट कर दिया, आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, और हमने पाया कि ये इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया और आपको सॉल्व ही करना हो और दो पार्टिकल के बीच दूरी निकालनी हो और इसमें अगर आप यू को 0 मान लेंगे तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। ओके, थैंक यू।